अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। एक और वीडियो रिव्यू के साथ मैं हाजिर हूँ और आज बात हम करेंगे वैसलीन के जो पिंक वाला लोशन होता है उसकी। हेल्दी वाइट इसका नाम है। डिफरेंट मेरे पास वैसलीन के हेल्दी वाइट लोशन की बॉटल्स मौजूद हैं इस वक्त, आप देख सकते हैं। और इसमें से ये वाली बॉटल जो है ये तो तकरीबन खाली ही हो चुकी है और इट वॉज़ ऑफ 200 ml। उसके बाद ये नई पैकेजिंग में आई है, तो रिसेंटली अभी ये सबसे नई वाली मैंने यही ली है, ये भी 200 ml की है। और एक छोटी बॉटल मेरे पास मौजूद है जो कि 100 ml की है। तो इसमें अल्ट्रा यूवी लाइटनिंग के लिए भी इसमें लिखा हुआ है कि ये अच्छी है, विटामिन B3 इसमें है, ट्रिपल सनस्क्रीन है। बट डू नॉट रिलाई ऑन दिस थिंग कि ये सनस्क्रीन है तो आपकी स्किन सन ब्लॉक के बगैर चल जाएगा, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जितनी तेज़ धूप होती है सन ब्लॉक लगाना लाजमी है, तो डू नॉट कंसीडर दिस लोशन एज ए सन ब्लॉक और सनस्क्रीन। इवन इतना कोई स्ट्रॉन्ग ये इफेक्ट नहीं है, लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने मुझे एक लास्ट मैंने कोई लोशन का रिव्यू सेंटर आई थिंक शेयर किया था, उन्होंने कहा था कि गर्मियों के लिए कोई मॉइस्चराइज़र बताएं। तो ये जो लोशन है वैसलीन का, ये गर्मियों के लिए अब तक जो मैंने जितनी चीज़ें ट्राई की हैं सबसे अच्छा मॉइस्चराइज़र है, क्योंकि इसको लगाने के बाद आपको ग्रीसी फील नहीं होता, इसको लगाने के बाद आपको पसीने नहीं आता और मतलब इस तरह की कोई फीलिंग नहीं होती कि भाई पता नहीं आपने हैवी कुछ फेस पर लगा लिया है। तो ये काफ़ी कंपैरेटिवली बेहतर और अच्छा ऑप्शन है अगर आप गर्मियों में कोई अच्छा मॉइस्चराइज़र लगाना चाह रहे हैं। तो बहुत ही लाइट है, नॉन ग्रीसी है, बिल्कुल पता नहीं चलता इसको लगा के, बहुत हल्की फ्रेगरेंस है, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं है इसकी। तो ये बिग गेस है इसके लिए। और जहाँ तक इसके प्राइजेस की बात है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका जो भी प्राइजेस हैं, छोटी बॉटल के भी जो 100 ml की है और जो बड़ी बॉटल है 200 ml की, उन दोनों के प्राइजेस मैं शेयर कर दूँगी। ये स्टोर्स में नॉर्मली आराम से मिल जाता है और इसको आप ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, और फिर किसी और वीडियो के साथ मिलते हैं।